मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 2 साइबर सेफ्टी। बच्चों, ये हमारे लेसन 2 की 5th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फ़िशिंग। हम फ़िशिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, फ़िशिंग है क्या? फ़िशिंग जो होती है बेटा, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोला है बेटा क्योंकि इसमें जो फ्रॉड किया जाता है या किसी भी तरीके से आप किसी को फंसाते हो या कोई भी क्राइम करते हो, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हो, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही यूज़ करते हो, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कहा गया है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इन 2013 एन अमेरिकन जर्नलिस्ट ट्विटर अकाउंट वाज कंप्रोमिस्ड। 2013 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के ट्विटर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कंप्रोमिस्ड, छेड़छाड़ करना। देयर वॉज अ ट्वीट फ्रॉम हिज अकाउंट दैट शेयर दैट देयर वुड बी एन एक्सप्लोशन इन द वाइट हाउस। उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया था बेटा, कहा गया था कि जो वाइट हाउस में यहाँ धमाका होने वाला है। This led to the stock market plunging. इसके बाद बेटा जो स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक मार्केट में एक उछाल आ गया था। And the whole world felt the effects of the email security breach. और इसके बाद जो हमारा पूरा संसार था, वो ईमेल, जो हमारे ईमेल के सुरक्षा उल्लंघन थे, उनके प्रभावों को, इनके इफेक्ट को महसूस करने लगा था। This was later found to be an email theft. बाद में यह पाया गया कि ये एक ईमेल थेफ्ट था, यानी कि एक ईमेल की चोरी थी। A routine email scam that led the journalist to give up some secured information. An email that looked like one from a trusted sender was sent to the journalist. उस जो वो जर्नलिस्ट था, उसके पास जो ईमेल भेजी गई थी, एक ईमेल भेजी गई थी, वो एक ईमेल ट्रस्ट सेंडर के रूप में उसके पास भेजी गई थी। द ईमेल हैड अ लिंक टू लॉगिन एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन। उस ईमेल में एक लिंक था जिस पे लॉगिन करते ही उसके वो जितनी भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेट हो जाती। द जर्नलिस्ट ओपन द लिंक एंड वाइल अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन The scammer was stealing his password and other information. और जब बेटा उस जर्नलिस्ट ने उस लिंक को ओपन किया, जब उसने उस लिंक पे क्लिक किया था, तो उसके बाद उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितना भी डाटा था, वो सारा अपडेट हो गया था। जो स्कैमर था, स्कैमर वो होता है बेटा जिसने उसके पास वो ईमेल भेजी थी, उसने उसका पासवर्ड और उसकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी वो सब चुरा ली थी। On the same day, another person received an email from a brand that he had ordered a package from. उसी सेम दिन उसमें किसी दूसरे आदमी के पास भी एक ईमेल आया था, जैसे कि वो किसी ब्रांड का ईमेल था और उसे किसी पैकेज के ऑर्डर के लिए पैकेज का ऑर्डर दिया गया था। There was a little pop-up window that he saw in the email. वो एक छोटी सी पॉपअप विंडो में वो ईमेल दिखाई दे रहा था। And he clicked on it. और उसने वहाँ क्लिक किया। Little did he know that the pop-up window in the email was actually a fraud and then once open, it would steal all the information of the पर्सन। वो बेटा जो डिटेल छोटी सी विंडो में वो जो ईमेल दिखाई दे रहा था, वो एक्चुअली में एक फ्रॉड था। जैसे ही वो उसे ओपन करेगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा, उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो स्कैमर जो है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस आदमी की चुरा लेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा, अगर हमारे पास, हम जिसको नहीं जानते हैं, अगर हम किसी को नहीं जानते और हमारे पास किसी के मैसेजेस या कुछ ईमेल आ रहे हैं, तो उन्हें हमें कभी भी ओपन करके नहीं देखना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मिस्टर शर्मा एक्सप्लेन टू सुनील दैट सच ईमेल आर नोन एज फिशिंग ईमेल्स एंड दे अपीयर लेजिटिमेट बट
आर एक्चुअली स्कैम टू स्टील यूज़र आइडेंटिटी। मिस्टर शर्मा सुनील को एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरीके के ईमेल्स को हम फिशिंग ईमेल्स के नाम से जानते हैं और ये आपके सामने एक उचित ढंग से आती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक स्कैम होता है किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को चुराने का। फिशिंग इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग डिसेप्टिव ईमेल मैसेज एम एट गेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग पीपल। फिशिंग एक्ट के तहत बेटा इसमें क्या करते हैं कि कोई जो अनसस्पेक्टिंग पीपल होते हैं उनके पास कोई भी ईमेल मैसेज सेंड किया जाता है और उनका सिर्फ एक एम होता है कि उस जो अनसस्पेक्टिंग पीपल के बारे में कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करना। सच ईमेल्स अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्स। ये जो ईमेल भेजी जाती है बेटा ये किसी ना किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू भेजी जाती हैं। दे डायरेक्ट द पीपल टू फेक वेबसाइट दैट मिमिक द वेबसाइट ऑफ देयर बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर। वे क्या करते हैं बेटा, वे लोगों को फंसाने के लिए कि अपनी जो फेक वेबसाइट बनाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि भी कोई बैंक है उसकी क्या करेंगे, वो उसकी फेक वेबसाइट बना लेंगे, उसकी नकल कर लेंगे और उसमें बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराने वाले इस तरीके की कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं और इस तरीके से उसमें लोगों को वो फंसाते हैं। द विक्टिम्स आर देन आस्क्ड टू वेरीफाई और अपडेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो जिन लोगों को इसमें फंसाते हैं जो विक्टिम्स होते हैं उनसे क्या है वेरीफाई करने के लिए उनसे कुछ पूछते हैं और उसमें वेरीफाई करने के लिए जब उनसे वो कुछ भी पूछते हैं बेटा इस तरीके से वो उनकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे गेन कर लेते हैं या अपडेट कर लेते हैं। This information is then used to cheat them or to commit identity theft। और इस तरीके से वो बेटा जो उनकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उनकी या उनकी पहचान की चोरी करके उन लोगों को वो उससे चीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो फिशिंग होती है फिशिंग के अंदर इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, जिसमें आज के टाइम में हमें इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आज के टाइम में हम सब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इसलिए हमें इसमें खतरा बना रहता है। इसके बाद है बेटा इसमें नेक्स्ट साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग और वायरस के वायरसेस के बारे में बेटा हम इसमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।